हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेशनल डिजाइन में आपका स्वागत है। किसे आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ब्यूटीफुल सा वी नेक गला, और वो भी हम फीत के साथ डिज़ाइन करेंगे। ब्लैक कलर का सूट है और ग्रे कलर की प्रिंट है, बॉटम भी ग्रे कलर का है, तो उसके हिसाब से हम ग्रे कलर की फीत से नेक डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ मैंने कैनवास दे दिया, 2.5 इंच की चौड़ाई लगाई है, 6.5 इंच का मैंने लंबाई लगाई है, और वी शेप देकर इसको मैं कट कर दूँगी। 1 इंच चौड़ी पट्टी कैनवास की हम कट कर देंगे। वीडियो बहुत बड़ा हो गया था तो फ्रेंड्स इस वजह से मैंने इसको थोड़ा फास्ट किया है, आप मैनेज करना। तो हम सबसे पहले सिंपल वी नेक बना देंगे। आप जितनी लंबाई चौड़ाई चाहते हैं आप उतनी रख सकते हैं, बट मेरे को 6 इंच की लंबाई चाहिए थी तो मैंने 6.5 इंच की लंबाई रखी है, 1/2 इंच शोल्डर में जाएगा। अब जिस तरीके से नेक बनाते हैं सिंपल सोबर सा, उसी तरीके से वी नेक बना लेंगे। वी नेक अच्छी कटिंग होनी चाहिए, वी शेप अच्छा कट होना चाहिए। मैं डायरेक्ट ऐसे ही कर देती हूँ, आप चाहे तो स्केल से भी कर सकते हैं। यहाँ धागा निकल गया था सुई में से, तो वापस धागा सुई में लगाया है। अब इसकी साइड की पट्टी अटैच कर देंगे हम। अब बीच का सेंटर देकर इसका बीच का सेंटर का एक मार्क बना देंगे और कट कर देंगे। अब इसे आगे के फ्रंट के बॉटम पर, फ्रंट के कुर्ते पे ऐड करेंगे। ये बैक है जो मैंने क्रॉस का मार्क करा है, राइट का करा है, वो फ्रंट है। तो इसका बीच सेंटर बनाकर वी शेप में नेक स्टिच कर देंगे। बिल्कुल किनार पे स्टिचिंग करनी है इसकी, ना ही कैनवास पे करनी ना कैनवास से बाहर, बिल्कुल किनार पे करनी स्टिचिंग। तो नेक स्टिच हो चुका है, एक्स्ट्रा 1/2 इंच का मार्जिन रखकर एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे। चारों तरफ कट के निशान लगा देंगे ताकि नेक अच्छे से फिनिशिंग से बाहर आ जाए। इसको अंदर फोल्ड कर देंगे। फ्रेंड्स लाइटें चली गई थी तो मोटर भी बंद हो गई थी, सिलाई भी मशीन भी बंद हो गई थी, तो मैंने फिर लाइट आई है तब चालू करा है। तो ये हमारी रेस है, मशीन बहुत हिल रही थी तो मैंने इसको सेट किया है। ये हमारी रेस है फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप, ये बॉटम है। इसके ऊपर हमने डार्क ग्रे कलर की रेस दी। अब इस पर मैं एक बूट की स्टिचिंग कर दूंगी ताकि मैं रेस लगाऊं तो फैब्रिक इधर से इधर ना होए। अब रेस के मैचिंग का हम गिट्टा लगा देंगे। फ्रेंड्स रेस अगर गले पे या आस्तीन में कहीं भी लगाते हैं तो धागा जो होता है वो रेस के मैचिंग का ही होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट साइड में हाफ रेस अटैच कर दूंगी, डबल सिलाई से लगाऊंगी। फ्रेंड्स मैं जितना चाहिए उतना रख के मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक एक्स्ट्रा रेस कट कर दूंगी और डबल सिलाई भी लगा दूंगी ताकि रेस इधर उधर हिले ना। अब राइट साइड से मैं सीधी रेस रखते हुए रेस के जो कंगूरे हैं बारीक बारीक उनको राइट साइड में निकालते हुए राइट साइड रेस लगा दूंगी। इस रेस को मेरे को नीचे तक पट्टी ले जानी है। आप चाहें तो इधर से इसको दोनों को नीचे रखकर भी पूरा शेप दे सकते हैं, बट मेरे को एक साइड का डिज़ाइन देना था तो मैंने एक साइड का ही रखा है। इसमें आप दोनों साइड का भी दे सकते हैं। तो इसी तरीके से मैंने डबल सिलाई भी लगा दी है इसमें। तो अब आप देखें कितना खूबसूरत नेक बनकर तैयार हुआ है। ये पाकिस्तानी डिज़ाइन नेक है, आप रेस के साथ किसी भी तरीके के नेक को डिज़ाइन कर सकते हैं। और अगर आपको किसी और नेक की डिज़ाइन चाहिए तो मुझे कमेंट करें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक कमेंट। एक बार आप देख लें कितना ब्यूटीफुल सा नेक बनकर तैयार हुआ। यही रेस हमने सीरीज में भी लगाई है, चाक में भी लगाई है, बॉटम में भी लगाएंगे। तो मैंने आपको कुर्ती का पूरा फाइनल टचअप दिखा दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।